नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, हमारी बुद्धि का कारक है बुध। बुध से हमारी समझदारी, हमारे फैसले लेने की क्षमता और हमारी कल्पनात्मक शक्ति देखी जाती है। अगर कुंडली में बुध कमजोर है तो हम इन सब चीज़ों में पीछे रह जाते हैं और जीवन में कामयाबी हासिल नहीं कर पाते। बुध को मजबूत करने के लिए हमें शनि की सहायता लेनी पड़ती है। शनि चुस्ती चालाकी का प्रतीक है। शनि का साथ लेकर हम अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार सकते हैं। शनि की सहायता से हम अपने जीवन पर पड़ने वाले बुरे असर से मुक्ति पा सकते हैं। तो उसके लिए कुछ उपायों को मद्देनजर रखते हुए आज की इस वीडियो में उन उपायों के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे जिनको करने से आपको इन सभी का लाभ संपूर्ण मात्रा में मिल सके। दोस्तों, बुध को शनि की सहायता देने के लिए हमें फौलाद या लोहे का बेजोड़ छल्ला पहनना चाहिए। फौलाद या लोहा शनि की धातु है और गोलाई बुध का आकार है। जब हम फौलाद का बना हुआ छल्ला पहनते हैं तो इससे बुध को काफ़ी सहायता मिलती है। यह उपाय कब करें? तो दोस्तों, जब भी बुध खाना नंबर 3, 8, 9, 10, 11 या 12 में हो, या इसके अलावा जब भी बुध कुंडली में बृहस्पति, मंगल, राहु या केतु के साथ हो, तो वह हमेशा अपने मंदे प्रभाव ही देगा। तो इसलिए आप उस समय पर बुध का ये बेजोड़ छल्ला जरूर पहने। तो इसे किस उंगली में पहनना चाहिए, इसके बारे में यदि हम जानकारी प्राप्त करना चाहें तो आप यह बुध का छल्ला सबसे छोटी उंगली या मध्यमा उंगली में पहन सकते हैं। मध्यमा उंगली शनि से संबंधित होती है और सबसे छोटी उंगली बुध से संबंधित होती है। अगर आपका व्यापार सही से नहीं चल रहा तो आप यह छल्ला पहने। अगर विद्यार्थी का मन पढ़ाई में नहीं लग रहा तो वह यह छल्ला पहने। अगर आपको नसों, नाड़ियों या दांतों से संबंधित समस्याएं हैं तो भी आप यह छल्ला पहन सकते हैं। बुध का छल्ला पहनकर आप बुध को शनि की सहायता देकर इसके परिणाम में शुभता ला सकते हैं। इसके अलावा और उपाय भी करने पड़ेंगे जो आपको अपनी कुंडली के हिसाब से करने चाहिए। तो इसके लिए यदि आप अपनी कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप हमें हमारे नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। आपको हमारे नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। जय श्री राम दोस्तों।